रहती है कि पावर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप क्या होगी। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ तो सबको पता है, लेकिन पावर और करंट से वोल्टेज कैसे निकलेगा या करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशन से वोल्टेज कैसे निकलेगा या रेजिस्टेंट पावर से, तो इसका देखो एक मैंने चार्ट बनाया है जिससे आइंदा आपको इसमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। पहले देख ले वोल्टेज निकालना है, अगर रेजिस्टेंस और करंट दिए हुए और वोल्टेज चाहिए तो सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस को, ये तो ओम्स लॉ हो गया। लेकिन अगर आपको पावर और करंट दिए हुए हैं तो डिवाइड करना है, तो क्या करना है मेरे भाई, डिवाइड। और कभी पावर और रेजिस्टेंस देते हैं, एक बार ये न्यूमेरिकल आ चुका है डॉ के पेपर में, पावर 4 दी हुई थी, रेजिस्टेंस 9 दी हुई थी। 4 9 का कितना होता है 36, 36 का रूट क्या होता है 6, ये आपका वोल्टेज आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से मजीद रिलेशन याद रखो, वोल्टेज के स्क्वायर को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो भी पावर आ जाएगी, ठीक है। करंट का स्क्वायर लें और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी पावर आ जाएगी। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दें तब भी पावर आ जाएगी। दोबारा देख लें, अगर पावर रेजिस्टेंस दी हैं तो इस फार्मूले में गौर से देखें कि पावर का स्क्वायर है, ठीक है, और वोल्टेज का और रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, ज़्यादातर स्क्वायर की रिलेशन चलेगी। करंट का भी हम क्या लेंगे मेरे भाई, स्क्वायर लेंगे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर आ जाएगी। और वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी, यानी ये रिलेशनशिप तो वही हो गई बी इक्वल टू आई आर से मिलती है, यानी मल्टीप्लाई वाली। बस फर्क ये है कि वहाँ पर हम रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करते थे तो वोल्टेज आता है, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने से पावर आता है। अब कुछ और बड़े काम की रिलेशनशिप देखो, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करें करंट आता है, ये तो ओम्स लॉ की थी। लेकिन अगर पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो भी करंट आएगा। अब पावर रेजिस्टेंस दिए तो देखो पावर को पहले रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट करो पावर आपको 72 वाट दी है, रेजिस्टेंस 2 ओम दी है, 72 डिवाइड बाई 2 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, ये आपके पास सॉल्व हो जाता है। तो मैंने बारी बारी देखें, पहले वोल्टेज निकालना सिखाया, पावर करंट रेजिस्टेंस की मौजूदगी से, पावर अगर वोल्टेज करंट या रेजिस्टेंस दिए हुए हों और करंट अगर वोल्टेज पावर या रेजिस्टेंस में से कोई चीज़ें दी हों। अब लास्ट चीज़ रेजिस्टेंस निकालना, भाई रेजिस्टेंस चाहिए वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस चाहिए वोल्टेज के स्क्वायर को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस चाहिए पावर को करंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हर सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये अगर चार्ट दिमाग के अंदर बैठा लें, और देखें ऐसे बहुत सारे मेरे चार्ट इन फ्यूचर आपको मैं देता रहूँगा, इनको अपने घर में ना दीवारों पे जगह जगह लगा लें भाई, जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ माथे पर, माथे के अंदर हर जगह इस चार्ट को चुका लें।